हाय दीदी, हाल ही में एक रियलिटी शो के मंच पर आपने ये कहा कि आप जब रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी सुनती हैं तो गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाता है। आपने ये भी कहा कि रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी रियलिटी है, हिस्ट्री है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना जिन्होंने अपनी दृढ़ता, वीरता, निडरता और साहस से भारत में इतिहास रचा, उन्हें भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स उनके बारे में नहीं जानते होंगे। रियलिटी शो के मंच पर आपने ये भी कहा था कि उन तमाम महिलाओं को जो अपने जीवन में संघर्षों का डटकर सामना करती हैं, उन्हें आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं। क्या उन महिलाओं में वो बेबस पीड़ित लड़कियां भी शामिल हैं जिन्होंने हिम्मत जुटाकर अलग अलग पुलिस स्टेशनों पर जाकर अपने बयान दिए? आजकल जब भी मैं सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज अपलोड करती हूँ तो तुरंत आपके समर्थक हल्ला बोलते हैं, ये कहकर कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए फोटोज फोटोशॉप्ड हैं। आपको बता दूं कि इस देश की जांच एजेंसियां आपसे, मुझसे, आपके समर्थकों से ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं। तथ्यों की सत्यता की जांच करना उन्हें बखूबी आता है। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर आपका एक पोस्ट पढ़ा था फेथ के बारे में, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा ये मानना है कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। मेरा आपसे एक निवेदन है और वो ये है कि एक महिला होने के नाते आप उन बेबस पीड़ित लड़कियों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाएं जो हाथ जोड़कर न्याय की मांग कर रही है। आपको बता दूं कि उन्हें राज्य के न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका दोनों पर अटूट विश्वास है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।